शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब तक हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, हम यश और ऋचा की शादी की अनुमति नहीं दे सकते। मैं अपने फ्यूचर का डिसीजन किसी और को नहीं देने दूंगी। मुझे जल्द से जल्द यश से शादी करनी है, बस। मैंने पापा से कह दिया कि आज ही पंडित जी को बुलाकर हमारी शादी की डेट फिक्स करा। अंजलि को दवाइयां सुबह लेनी थी और उसे याद तक नहीं है। मैं देखे आता हूँ। ये देखिए उमाजी जी, मैं अंजलि और यश का डिवोर्स पेपर बनवा कर लाया हूँ। आप बस किसी तरीके से इन पेपर्स पर उनके सिग्नेचर करवाने चाहिए, फिर उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। डिवोर्स पेपर्स? ये पेपर्स तुम्हें किसने बनाने के लिए बोला था करुणेश? यश और अंजलि की तो शादी ही रजिस्टर नहीं हुई। अरे चिची, लेकिन अगर उन्होंने इस पेपर पर सिग्नेचर कर दिए तो उनकी तरफ से तो रिश्ता खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आगे चलकर अंजलि रिश्ता तोड़ने के पहले कोई शर्त रखने लगी, कोई मुआवजा मांग लिया या तो यश को परेशान करने लगी, तो हम क्या करेंगे चिची? करुणेश, तेरे पास ना लोगों को परखने वाली नजर ही नहीं, इसीलिए तो आज तक समझ ही नहीं सका कि अंजलि ऐसी लड़की नहीं है। डिवोर्स पेपर पर तो किसी ना किसी तरीके से सिग्नेचर कराना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो अलका दीदी को खुश करना है और दूसरा यह कि अंजलि मुझ पर शक करने लगी है। वो जितने जल्दी इस घर से और हमारी जिंदगी से दूर जाएगी, मेरे लिए उतने अच्छा होगा। आपकी कृपा से हमारी एक जिम्मेदारी तो पूरी हुई, बस अब किसी ना किसी तरह से हमारी जन्म देने वाली माँ को ढूंढना है। हम जानते हैं गोपाल, जब आप हमारे साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है। बस एक प्रार्थना और है आपसे, यश जी और ऋचा के रिश्ते में कभी कोई बाधा ना आए, वो दोनों हमेशा साथ रहे। ने कहा था कि टाइम पे दवाई खाना बहुत जरूरी है, फिर तुम भूल कैसे सकती हो अंजलि? लगता है तुम्हें दवाई खिलाने की जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी होगी। लो। तुम टेंशन मत लो यश, आज से अंजलि को टाइम पर दवाई खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं आज ही अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। कहां लेकर जाओगी तुम? घर और कहां? अब तो तुम दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया ना, अब क्यों रुकेगी वो यहाँ? ऋचा बिल्कुल सही कह रही है यश जी, 90 दिन तो पूरे हो गए ना, अब हमें चलना चाहिए। हम अभी ऊपर जाके अपना सामान पैक कर लेते हैं। अंजलि, अंजलि जी, जाने से पहले तलाक के कागज पर दस्तखत करती जाओ।
क्या हुआ यशी? क्या हुआ यशी? आप हमें वापस यहाँ क्यों ले आए? बेल्ट का है मेरी, और मेरे मेरे मोजे, रुमाल, जूते, कपड़े, वो मेरी स्वेटशर्ट का है जो मेरी फेवरेट है, और मेरा फेवरेट परफ्यूम वो कहाँ है? और वो मेरा लैपटॉप चार्जर, मेरा फोन चार्जर, मेरे सनग्लासेस, मेरी घड़ियां, वो कहाँ है वो सब? जब से तुम आई हो सब कुछ तुम्हें तो पता है, अब आदत हो गई है तुम्हारी, चली जाओगी तो कैसे चलेगा मेरा काम? मोबाइल और लैपटॉप चार्जर, घड़ी और सनग्लासेस, जूते और मोजे, आ
जब भी कुछ ना मिले तो ये नोट्स देख लीजिएगा, सब लिख दिया है हमने, और अगर फिर भी ना मिले तो हमें फोन कर लीजिएगा, ठीक है? अब आदत तो बदलनी पड़ेगी ना यश जी। एक इजाजत चाहिए आपसे यश जी, क्या हम आखिरी बार आपकी पत्नी के रूप में आपके पैर छू सकते हैं? मैंने इस तलाक के कागज पर अंजलि से साइन करवा लिए हैं। अब आप भी जल्दी से यश से साइन करवा लो। चलिए हमारे साथ, हम पुलिस को फोन करेंगे, आप चलिए। अजी भाई, यशी
सफेद दाढ़ी वाला बुड्ढा लग रहा है। कोई बुड्ढा इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है? अंजलि, ये तुम्हें इतनी चोट कैसे आ गई? चलो। क्या कहा? चाकू से वार किया उसने। अरे, ये तो बहुत चिंता की बात है। कौन हो सकता है? किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है अंजलि से? बेटा, बेटा यश और अंजलि कहाँ हैं? वो दोनों हमलावर के पीछे गए हैं। माँ, बड़ी हैरानी की बात है कि दिन दहाड़े हमारे आंगन में कोई चाकू से वार करने की हिम्मत कैसे कर सकता? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। सुबोध? हेलो सुबोध। मुकेश, अंजलि निकल गई क्या वहां से? अरे नहीं सुबोध, यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया। लेकिन सुबोध तू चिंता मत कर, मैं अभी इंस्पेक्टर पांडे को फोन करके बुला रहा हूं। हमारे घर के आंगन में हेलो इंस्पेक्टर पांडे, मैं मुकेश गर्ग बोल रहा हूं। घर के सब लोगों ने तुम्हें अच्छी तरह से देख लिया है, दोबारा वहां गए तो खतरों से खाली नहीं होगा। आगे के लिए कुछ और सोचना होगा। पहले भी कभी आप पर किसी ने अटैक किया है क्या? क्या आपको कभी ऐसा लगा हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है? क्या आपने कभी किसी संदिग्ध व्यक्ति को अपने आसपास देखा हो? जी इंस्पेक्टर साहब, कल रात हमने घर के अंदर किसी की परछाई देखी थी। हमने यश जी को भी बताया था। पहले उन्हें लगा कि शायद हमारा भ्रम था, लेकिन इतनी आसानी से घर में घुस गया, इसका मतलब है कि उसे पूरे घर का भूगोल पता है। मुझे लगता है कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह इस परिवार से परिचित है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन हो सकता है? अंजलि जी, आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं है? अंजलि जी, आपको किसी पर शक है क्या? सच सच बताइए ताई जी, कहीं आपने तो कोई चक्री नहीं घुमाई? तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली अलका। मुझे तो बक्का लग रहा था, सब कुछ तेरा किया था ना। अगर हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं किया तो फिर ये किसका काम है? हमें किसी पर कोई शक नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हम आज से ही अपनी जांच शुरू कर देते हैं। जब तक अपराधी पकड़ा ना जाए तब तक आप लोग सावधान रहिए। राधे राधे। राधे राधे। चलिए रिचा। ऐसे कैसे जा सकती है? इतनी चोट लगी है तुम्हें,
इतना खून बहा है, ऐसे तो नहीं जा सकती अंजलि। यश कैसी बात कर रहे, उसके हाथ में चोट लगी है, पैर में थोड़ी ना कि वो चल नहीं पाएगी। सोचा था कि मैं अपना बर्थडे आपके साथ मनाऊंगा, आप प्लीज रुक जाइए ना। अरे कुलकन, अभी हमें जाने दो, हम कल फिर से आ जाएंगे तुम्हारे बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। हाँ गुलकन, रिचा दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम फिर से आ जाएंगे। उदास मत हो गुलकन। तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद चली जाएगी अंजलि। कल हम सब साथ मिलके तुम्हारा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अब तो खुश हो ना? यस, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।